गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास फोर्थ में अपना चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त में, उसका मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेंड कर चुकी हूँ बेटा। आज हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत लेंदी है, ठीक है ना। तो इससे पहले का आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ भी लिया होगा और इसका थोड़ा सा मैं आपको पहले रिविजन करा देती हूँ। इसमें एक भीखू भाई है, वो बहुत ही क्या है, कंजूस है, और उनकी पत्नी लाबू बहन है। वो उनको क्या मन करता है भीखू भाई का खाने का, नारियल खाने का मन करता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी घरवाली से कहता है कि भाई मुझे तो नारियल खाना है तो मुझे बाजार भी जाना पड़ेगा और क्या है पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन वो कहती है उसकी पत्नी के, नहीं अगर खाना है तो जाना तो पड़ेगा। वो दुकान के पास जाते हैं, दुकान वाला ज्यादा बताता है, फिर वो कहाँ जाते हैं, मंडी जाते हैं, मंडी से फिर वो वहां पर भी महंगा बताते हैं, फिर वो कहाँ बंदरगाह पहुंचते हैं, बंदरगाह पर भी उनको महंगा लगता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो 25 पैसे में लेना है, तो वो कहाँ पहुंच जाते हैं, पेड़ जहां से बाग है जहां पर नारियल का, वो वहीं पहुंच जाते हैं। वहां कहते हैं मैं इतने में भी नहीं लूंगा, मुझे तो फ्री में चाहिए, मैं इतनी मेहनत करके आया हूं। तो क्या करता है, उसको कह देता है जो बाग वाला है कि तुम ऊपर चढ़ जाओ और कोई सा भी नारियल ले सकते हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। चलिए थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि भीखू भाई ने एकदम से नारियल पकड़ लिया क्योंकि वो नारियल के पेड़ पर चढ़े हुए हैं ना। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ अब मैं क्या करूं, क्या है वो गिरने की कगार पर हैं, ठीक है, क्योंकि लालच कंजूस वो इतने हैं कि वो उनको अपना नहीं नजर आ रहा है कि मैं गिरूंगा या मैं पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तो मुझसे टूटेंगे नारियल के, नहीं टूटेंगे, है ना। तो बस वो बस ये चाह रहे हैं कि मेरे किस तरह से पैसे बच जाए। तो वो क्या हवा में झूल रहे हैं और क्या उनके मुंह से आवाज निकली, ओ माँ मैं क्या करूं। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। क्या कहा उन्होंने, अरे भाई मेरी कोई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की, जो नीचे माली खड़ा है उससे क्या की विनती की। माली ने कहा वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। उसने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ आपको नारियल देने में तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, कि ना ही तो मैं पैसे लूंगा, ना मैं खरीदूंगा, ना मैं बेचूंगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद करूंगा, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। नारियल के मालिक ने कहा, जो जिसका बाग था नारियल का, उसने कहा यहाँ पर सब कुछ मुफ्त है, ठीक है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से निकल रहा था। अरे भाई भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। वो कह रहे हैं कि मेरे पैर को कहाँ वापस पेड़ पे टिकवा दो, ठीक है, आपकी क्या होगी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। अब उसने क्या करा, उसने सोचा चलो कोई व्यक्ति मुझे पुकार रहा है तो मैं उसकी मदद कर देता हूं। अब उन्होंने ऊंट की पीठ, क्योंकि ऊंट ऊंचाई में बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है काफी, उस पर खड़े होकर उन्होंने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। ठीक उसी समय उनको क्या नजर आया, ऊंट को हरे हरे पत्ते। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। लेकिन क्या हुआ, ऊंट वहां से हट गया खाने के लालच में, बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। जो आदमी पकड़ रहा था उनके पैरों को भीखू भाई के, उसकी वह ऊंट की पीठ से फिसल गया क्योंकि ऊंट आगे को चलने लगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। उसने क्या करा, भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अब भीखू भाई भी लटक गए और जो ऊंट पर सवार था वो व्यक्ति भी लटक गया, है ना। तो अब दोनों क्या करते, अब उन्हें और मदद की जरूरत थी, है ना। अरे संभाल लो, संभलो, छोड़, पेड़ के लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी और ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अब दोनों चिल्ला रहे हैं क्या कि हम दोनों पेड़ से लटक गए, हमें कोई बचा लो। वो किसको आवाज लगाते, घुड़सवार को, हमें कोई दोबारा पेड़ तक पहुंचा दो, हम एक मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूं। उस व्यक्ति ने सोचा चलो ठीक है मैं इनकी मदद कर देता हूं। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, घुड़सवार घोड़े के ऊपर पीठ पर खड़ा हो गया। लेकिन कौन कहता कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है, लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बढ़िया है, बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा
और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब क्या हुआ, हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे हैं भाई। कोई भी जानवर होगा जिसको हरी हरी घास नजर आएगी वो तो उसका मन तो लालच से भर ही जाएगा और वो अपने मालिक की भी परवाह नहीं करेगा। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा। अब क्या है, जैसे ऊंट ने करा वैसे ही घोड़े ने भी कर दिया, वो भी आगे बढ़ गया और छोड़ चला अपने मालिक को, और अपने मालिक को भी उसने छोड़ दिया और ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। जो ऊंट वाला था उसके पैरों से कौन लटक गया, घोड़े वाला भी लटक गया। एक दो और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। अब पहले तो नारियल वाला था, फिर आपका कौन हुआ, ऊंट वाला, अब उसका तीसरा कौन जुड़ गया उसमें, घोड़े वाला। काका काका कसके पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। उसने कहा ऊपर वाले से, काका कसके पकड़े रहना वरना अगर आप गिर गए तो हम दोनों भी गिर जाएंगे। जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। अब उसने क्या लालच दिया कि जब तक कोई बचाने वाला, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं आता है तब तक आप छोड़ना नहीं, क्योंकि क्या है आपके गिरते मैं भी गिर जाऊंगा और मुझे बहुत ज्यादा चोट लगेगी। वो डरा हुआ था और उसने क्या लालच दिया कि मैं आपको क्या दूंगा, 100 रुपए दूंगा। काका काका अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। अब ऊपर वाले को कह दिया जिस नारियल वाला था, कि जो ऊंट वाला था उसको 100 रुपए देने हैं और जो नारियल वाला है, क्योंकि सबसे ऊपर नारियल वाला है, उसको वो कितने रुपए देगा, 200 रुपए। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया, इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। अब वो खुशी के मारे उन्हें नहीं पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं, और उन्होंने क्या करा, अपने दोनों हाथों को फैला लिया। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। अब क्या हुआ, जैसा वो चाहते थे वैसा ही उनके साथ हुआ। उन्हें नारियल तो मिला लेकिन बिल्कुल मुफ्त मिला, और क्या हुआ, उनके सिर पर फूटा वो नारियल, है ना, ठीक है। धड़ाम से तीनों गिर गए हैं, घुड़सवार भी, ऊंट वाला भी और भीखू भाई भी, तीनों गिर गए हैं। और भीखू भाई के ऊपर एक ऊपर से फ्री में एक नारियल भी आकर गिर गया है। तो देखा बेटा, कंजूस होने के साथ साथ हमें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ना। तो चलिए बेटा, इस चैप्टर को आप और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगी जो आपको अपनी कॉपी में बहुत ही ध्यानपूर्वक और सफाई के साथ लिखने हैं। धन्यवाद।